दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा शनिवार को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक एनवायरमेंटल हैजार्ड लाइवलीहुड इश्यूज एंड रेजिलियंस इन एग्रीरियन सोसाइटी ए क्रॉस डिसिप्लिनरी एनालिसिस। शनिवार को कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पूर्व अध्यक्ष विभाग प्रोफेसर नूर मोहम्मद विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय प्रकोप तथा तत्जनित विभिन्न विध्वंसनात्मक परिणाम व इनका जीविका के विभिन्न मुद्दों पर कृषक समाज पर इसके प्रभाव व निराकरण पर गंभीर चर्चा के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय कार्यशाला समन्वयक प्रोफेसर एस के सिंह और प्रोफेसर के एन सिंह ने कहा, the induction of new technology in agriculture by looking serious by the agricultural sector in the season after disasters are twice as high as the direct damage to agricultural sectors. Second observation is almost 3/4. Now, if this is the situation of the natural hazards and disasters, let us see how it is vulnerable for agrarian societies. In agrarian societies, agriculture is the basic occupation of man. In this context of this region and also in national context, I have just pondered over few points. Number one, next one. Around 65% of India's population direct agriculture provides food and fodder to animals. Agriculture is also a source of foreign exchange. It provides power nearly 234 million in 2001 to in 2011. Professor S.K. Singh, मैं राष्ट्रीय कार्यशाला का समन्वयक हूँ, इस समय भूगोल का विभाग अध्यक्ष भी हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ये राष्ट्रीय कार्यशाला है, दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला है, जिसमें पर्यावरण प्रकोप और कृषक समुदाय कृषक समाज पर उसके क्या प्रभाव हैं, इस पर गहन परिचर्चा के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और झारखंड से, तमाम अलग अलग विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर और विषय विशेषज्ञ इस पर अपने विचार देंगे। ये क्षेत्र चूँकि आप पूरी तरीके से देखें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हमारा कृषक समुदाय है। इसको कैसे निजात पाया जाए, क्या समस्याएं हैं, समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई हैं और निजात कैसे पाया जाए, इस पर गहन चर्चा के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। निश्चित तौर पर सबसे पहले कोई पर्यावरणीय प्रकोप होता है, उससे प्रभावित होने वाला जो है हमारा कृषक समुदाय है, क्योंकि उसका ताना बाना वो अपने को नहीं हटा सकता, और चीज़ें हैं और व्यवसाय हैं वो उतने मौसम को प्रभावित नहीं करते, या कह सकते हैं पर्यावरणीय प्रकोप उन पर उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। कई चीज़ें हैं पर्यावरणीय प्रकोप में, चूँकि मानव के क्रियाकलापों से ही बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, जैसे वन कटते गए, वन के कटने का परिणाम ये होता है कि मिट्टियों का कटाव होता है, मिट्टियाँ कटाव होकर के नदियों के जो वैली है वो भर जाती है, कालांतर में बाढ़ विभीषिका का रूप ले लेता है। ये इस तरीके से बहुत बहुत कुछ समस्याएं जो है उससे उत्पन्न होती हैं, तो इसको कैसे दूर किया जाए, इसके क्या क्या पक्ष उसके सुधार के लिए होंगे, वो जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं
उस पर एक गहन चर्चा होगी ताकि कोई निष्कर्ष निकले तो उसको शासन को प्रेषित किया जा सके, शासन को उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो भेज करके, ताकि उस पर जो भी भविष्य में आयोजना बने, योजना बने, तो उससे कुछ निजात मिल सके। प्रोफेसर केएन सिंह, वाइस चांसलर राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के भूगोल विभाग द्वारा प्रोफेसर एस के सिंह के नेतृत्व में इन्वायरमेंटल हजार्ड और एग्रीकल्चर तथा पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। ये संगोष्ठी जो बहुत ही समसामयिक है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और कृषि तो संगोष्ठियों के पर्याय बन चुके हैं। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर आखिर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण का समाधान क्या हो, इस पर चिंतन और मनन प्राय होता रहता है। मेरा अटूट विश्वास है कि इस संगोष्ठी में देश भर के जो भूगोलवेत्ता आए हुए हैं भारत के कोने कोने से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपने कार्यों से, अपने अनुभवों से एक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया आयाम देंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है।